हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपको कौटिल्य ने जो सप्तंगा थ्योरी दी है, यानी स्टेट के सात अंगों की बात की है कौटिल्य ने, उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो देखिए, ये यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट के एग्ज़ाम में अक्सर इससे पूछा जाता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा सिंपली। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा समझ लें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए याद रखना। देखिए, सप्तंगा का मतलब है सात अंग, है ना, सप्तंगा सात अंग है ना, यहाँ से बना है। चूँकि ये हिंदी वर्जन है, इसको इंग्लिश में हम सेवन ऑर्गन थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सात अंग कौन कौन से होते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। पहला है स्वामी, है ना, स्वामी का मतलब है राजा या रूलर, है ना। किसी भी स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी राज्य का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, राजा होता है, है ना। फिर दूसरा है जनपदा, जनपदा का मतलब है पॉपुलेशन यानी लोग, है ना। राजा किस पे रूल करेगा, लोगों पे रूल करेगा, जिसको पॉपुलेशन कहा जाता है उस राज्य का। उसके बाद आता है अमात्य, अमात्य का मतलब है मिनिस्टर, है ना, यानी मंत्री। राजा के लिए मंत्री का बहुत अहम रोल हो जाता है। फिर उसके बाद चौथा है आपको दुर्ग, जिसका इंग्लिश में अगर देखें तो ये होता है कैपिटल, जो होता है वो फोर्टिफाइड होता है, यानी कैपिटल मजबूत दीवारों से घिरा होता है। सपोज कीजिए एक कैपिटल है तो इसके चारों तरफ से फोर्टिफाइड किले होते हैं, जिसको किला बोला जाता है या दुर्ग बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं लाल किला, है ना, लाल किला क्या है, मुगल का कैपिटल है। फिर उसके बाद कोषा, है ना, कोषा यानी ट्रेजरी, जो कि पैसे पैसे की रखरखाव की बात करता है। ट्रेजरी जो होता है, ट्रेजरी ये पैसे की आवागमन का ख्याल रखता है, यानी किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसे यानी धन धन की आवश्यकता पड़ती है, तो ट्रेजरी उसका ख्याल रखता है। फिर उसके बाद जो है राज्य की सुरक्षा के लिए आर्मी ज़रूरी है, जिसको दंडा या आर्मी कहा गया है इसमें। और आखिरी जो है ये है मित्रा, ओरेली एंड फ्रेंड, है ना। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य किसी राज्य के लिए मित्र का होना ज़रूरी है, है ना। किसी कोई अगर राज्य है तो उसके मित्र और फ्रेंड होने ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो राज्य के आपातकालीन स्थिति में ये लोग राज्य के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं, मदद करते हैं, है ना। जैसे भी होता है आर्थिक रूप में या सैनिक के रूप में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में तो इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जो एली कंट्रीज़ बोलते हैं जिसको, या फ्रेंड कंट्री बोलते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये है आपको सात अंग, जिसमें पहला है राजा, दूसरा है लोग यानी पॉपुलेशन, तीसरा है मंत्री, चौथा है कैपिटल यानी दुर्ग, जो कि फोर्टिफाइड कैपिटल को दुर्ग कहा गया है। उसके बाद आता है कोषा यानी ट्रेजरी, यानी जो कि धन की रख रखाव करता है राज्य के संचालन के लिए। उसके बाद आता है आर्मी, और उसके बाद आता है एली एंड फ्रेंड, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे डिस्कस करेंगे छोटे छोटे वीडियो में, ताकि ये यूजफुल फैक्ट्स हम कवर कर सकें यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। और ये है आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूजीसी नेट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूजीसी नेट लोग देते हैं या पॉलिटिकल साइंस में, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।